हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से होम्स फॉर सेल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रुति चौधरी आज दोबारा से कराने आई हूँ एक बहुत ही शानदार से फ्लैट का टूर आपको। ये फ्लैट ना बहुत ही क्यूट सा है और ना 60 गज का है, ठीक है। और ये आपको मिल जाता है द्वारका मोल मेट्रो स्टेशन के केवल 600-700 मीटर की दूरी पर। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हैं, चलिए आगे की वीडियो देखिए। हमारे स्टार से फ्लैट की एंट्री होती है यहाँ से। और वापस एक बार आपको बता दूं, ये फ्लैट है 60 गज का 2 BHK और बिल्डिंग के फ्रंट साइड पर आपको आपका ये घर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे लिविंग रूम की। ओके, अब आप देख सकते हैं ये लिविंग रूम कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है और लग्जरियस भी है। आप वॉलपेपर के डिजाइन भी अगर देख लेते, यू नो, चलिए अब डिटेल्स पे जाते हैं। वेल, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी फ्लोरिंग के बारे में। ओके, आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, अगेन काफी डिसेंट है, बहुत ही प्यारे कलर्स है, व्हाइट डीसेंट टाइल से, जो कि जिनकी फिटिंग्स बहुत अच्छे से की हुई है, कोई भी ऊबर खाबर नहीं है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। टाइल्स की बात हम बात करेंगे हमारे वॉलपेपर की। वॉलपेपर इज अगेन काफ़ी ही ज़्यादा लग्जरियस और डीसेंट मोनोक्रोमेटिक कलर है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, अगेन प्रीमियम लुक दे रहा है। ओके, फिर इसके बाद जाते हैं एसी। यहाँ पे इस वॉल पे आपको एसी की वायरिंग मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी आराम से लगवा सकते हैं। एसी की वायरिंग के बाद हम चलते हैं हमारे टीवी पैनल की तरफ। जी हाँ, रूम में जो आपको ये टीवी पैनल मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। लाइक आराम से 55-60 इंच का टीवी आ जाना है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑलरेडी प्लग इन करने के लिए स्विच बोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप चाहे अपना सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करें या टीवी का प्लग इन करें, और साथ में आपको डेकोरेटिव स्पेस मिल जा रही है। डेकोरेटिव स्पेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉटलाइट्स भी हो, तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी सामान रखते हैं तो उन पे और भी अच्छा लुक आएगा। जी हाँ, अगेन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आपका टीवी पैनल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फॉल्स सीलिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से लगे हुए येलो कलर की बहुत ही प्यारी कॉक लाइट्स, जो कि अगेन आपके पूरे फॉल्स सीलिंग को बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। एंड व्हाइट कलर की LED लाइट्स, ओह माय गॉड, व्हाट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड व्हाइट कलर्स। एंड आप देख सकते हैं कितनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रक्चरली लाइक डिजाइन है आपकी पूरी फॉल्स सीलिंग, एंड इट्स गिविंग यू अगेन अ वेरी प्रीमियम एंड अ वेरी नाइस लुक। वेल, फॉल्स सीलिंग के बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्पेस के। ओके, आप स्पेस देख सकते हैं, अगेन बहुत बड़ी है और यहाँ पे आराम से 7-8 सीटर का सोफा तो बहुत ही अच्छे से लग जाएगा, आपकी टी कॉफी की टेबल भी लग जानी है। जी हाँ, दिस वाज इट अबाउट योर लिविंग स्पेस। उसके बाद हम चलते हैं हमारी फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो हियर इज योर फर्स्ट बेडरूम का एंट्री। जी हाँ, ओके, सो आप देखिए आपका ही फर्स्ट बेडरूम अगेन बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे ऑलरेडी बेड आपका लगा हुआ है 6x6 का। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था यहाँ पे, यू नो, एक पूरा कुशन का कवर यहाँ पे लगा हुआ है, विच इज अगेन गिविंग यू अ वेरी नाइस लुक आपके पूरे इस बेड के एरिया को, फ्रंट लुकिंग एरिया को बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। एंड जितने भी यहाँ पे वुडन सारे के सारे फिटिंग्स की हुई है, उनकी क्वालिटी आई स्वेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड साथ ही मैं आपको वहाँ पे अलग से स्पॉटलाइट भी मिल रही है अगेन। ओके, तो वहाँ पे अगर आप कुछ डेकोरेटिव सामान रखते हैं तो उन पर बहुत ही अच्छा लुक आएगा। जी हाँ, सो अगेन अब क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं यहाँ पे कैबिनेट्स की। कैबिनेट्स अगेन आप देख सकते हैं आपको बेड की जस्ट बगल में यहाँ पे कैबिनेट्स ऑलरेडी लगे हुए मिल रहे हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। बात करते हैं फिर यहाँ पे अलग से आपको एक छोटा सी स्पेस मिल रही है जहाँ पे स्पॉटलाइट भी लगे हुए हैं, तो ताकि अगर आप वहाँ पे अपना वॉच रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, सो इट्स गोना वर्क वेरी नाइसली। उसी के साथ आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉअर भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत स्पेशियस है, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको दोनों ही साइड
उन दोनों ही खाली स्पेसेस में आपको स्विच बोर्ड्स मिल रहे हैं। जी हाँ, तो ना रात को अगर आपको फोन भी चार्ज में लगाना हो तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। जी हाँ, तो अलग से दोनों साइड कैबिनेट्स के बाद हम इस रूम में देखते हैं फॉल सीलिंग। अगेन आपको येलो कॉप लाइट्स मिल जाती है एंड बहुत ही प्यारी तरीके से डिजाइन है पूरी की पूरी फॉल सीलिंग, और व्हाइट कलर की LED लाइट्स भी मिल रही है। आपके इस रूम में आप देखेंगे फ्लोरिंग, अगेन तो फ्लोरिंग व्हाइट टाइल्स ही है, डीसेंट टाइल्स है, जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक दे रही है आपके रूम को। वेल, हम फ्लोरिंग के बाद अगर हम देखें आपके AC की, तो यहाँ पे आपको विंडो AC का स्पेस पूरा मिल जा रहा है, और अगर AC आपको नहीं चलाना हो तो यहाँ पे आराम से आपको वेंटिलेशन की बहुत प्यारी स्पेस मिल रही है। सो यू नो, लाइक ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका ये प्यारा सा फ्लैट। ओके, अब आपको मैं दिखा दूँ कि आपको इस रूम में आपके पर्सनल बेडरूम में आपका पर्सनल वॉशरूम भी मिल रहा है। एंड आइए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ही प्यारी क्वालिटी है इस वॉशरूम में। हर एक आपके इक्विपमेंट्स एंड सारे सामान की यू नो आपको सारे के सारे आपके शावर के अलग अलग यू नो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सारे टाइल्स एंड बेसिन वगैरह लगे हुए हैं वॉशरूम में। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, विच इज़ यू नो काफ़ी फ़ायदेमंद है भैया। लाइक आपको अच्छी क्वालिटी का सब कुछ मिल रहा है, कितनी सारी जगह मिल रही है। सो बस दिस इज द बेस्ट डील ऑफ योर्स। वेल, हमारे फर्स्ट बेडरूम के बाद हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। वेल, ये है आपके सेकेंड बेडरूम की एंट्री। आप अगेन देख सकते हैं यहाँ पे सेम आपको देख रहे हैं वॉल्स, आप देख सकते हैं वॉल की कितनी ही अच्छी यहाँ पे डिजाइन है। लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट ग्राफिकल डिजाइन अगेन, एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो वॉल का डिजाइन है, ओके, यहाँ पे ना आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि जैसे दीवार से ऐसे पपड़ी निकल जाती है ना पेंट की पुट्टी ना होने की वजह से, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी। ओके, वॉल पेपर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इनकेस आपको फ्यूचर में अगर इसे चेंज करने का मन हो चेंज भी करवा सकते हैं, तो बस कितना फायदा है। वेल, यहाँ पे बेड अभी फिलहाल लगा हुआ है 6x6 का, और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशन वाला डिजाइन है, सो इट्स गिविंग अ वेरी लग्जरियस एंड वेरी प्यारा लुक। बेड के बाद लगाने के बाद जब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस, अगेन काफी सारी स्पेस बची हुई है, तो पैर में ठोकर वोकर लगने की भी परेशानी नहीं है। जी हाँ, हम बात करते हैं बेड के बाद यहाँ पे कैबिनेट स्पेस की, तो यहाँ पे काफ़ी सारा जगह मिल जा रहा है आपको आपका पर्सनल सामान रखने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप बहुत बड़ी स्पेस मिल जा रही है। ओके, बेड की जस्ट बगल में आपको ये पूरा का पूरा कैबिनेट मिल रहा है, वार्डरोब मिल रहा है जहाँ पे आप अपना पर्सनल सामान आराम से रख सकते हैं। जी हाँ, दिस वॉज लाइक योर बेड एंड द वार्डरोब। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग अगेन यहाँ पे येलो एंड व्हाइट कॉप लाइट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, एंड डिजाइन तो आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा स्ट्रक्चरल एंड ग्राफिकल डिजाइन है। जी हाँ, इसके बाद अगर टाइल्स देखें तो यहाँ पे काफी सारी स्पेस है, बहुत सारी स्पेस बची हुई है, एंड बहुत ही प्रॉपर फिटिंग्स के साथ ये टाइल्स लगी हुई है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेंटिलेशन स्पेस की, अगेन आपको ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन का बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन स्पेस मिल रही है, यही इसी रूम से अटैच आपको मिलती है आपकी बालकनी, जो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज्यादा प्यारा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बालकनी में आपको कितनी बड़ी स्पेस मिल रही है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी स्पेशियस एंड बहुत ही अच्छे तरह से अलाइंड है टाइल्स की, अगेन काफी ज्यादा अच्छी तरह से फिटिंग्स हो चुकी है। सो पसंद आया आपको आपकी प्यारी सी बालकनी? वेल, आप अपने पर्सनल रूम से आराम से जब आपका मन करे यहाँ से निकल के ताज़ी हवा को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब आपके दोनों बेडरूम से निकलने के बाद यहाँ लिविंग स्पेस से आपको अटैच मिलता है आपका प्यारा सा लग्जरियस मॉड्यूलर किचन। वेल, यहाँ पे आइए मैं आपको दिखा दी आपके मॉड्यूलर किचन के स्पेसिफिकेशंस। वेल, आप देख सकते हैं कि ना इस मॉड्यूलर किचन की लाइक जो बनावट है बहुत ही अलग है। लाइक मैंने तो खुद नहीं देखा है ऐसे मॉड्यूलर किचन, इजीली कहीं पर देखने नहीं मिलते थे। बहुत ही अच्छी तरह से ये डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड है, लाइक जिन्होंने बनाया है ना काफी सोच समझ के बनाया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या बने आपको मिल जा रहे हैं। काफी सारा स्पेस मिल जा रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी स्पेस मिल जा रही है। यहाँ पे आप आराम से अपना सारा का सारा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल छन्नी मिल जा रही है, बहुत सारी स्पेस मिल जा रही है, स्विच बोर्ड बहुत सारे मिल जा रहे हैं। जी हाँ, परेशानी कुछ नहीं हो रही है स्विच बोर्ड में, जब भी आपको जहाँ पे मिक्सर लगाना हो आपको यहाँ पे काफी सारे स्विच बोर्ड मिले हुए हैं। अपना यहाँ पे आप अपना स्टॉव लगा सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खुले वार्डरोब्स भी है, एंड किसी में ऐसे यू नो पूरा का पूरा कवर्ड भी है, तो इन केस अगर आपको कुछ ऐसे शो पीसेस वगैरह देखने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं किचन में। साथ ही में अगर ये इस एरिया के बाद अगर हम चले, यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस दी हुई है अलग से, जहाँ पे आप आराम से अपना फ्रिज लगवा सकते हैं। जी हाँ, फ्रिज की झंझट नहीं होगी इधर लिविंग रूम में लगाने की, तो ये तो कितनी अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आपके सिंक एरिया में।
पहले ये बहुत अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं आपको सिंक एरिया आपको आपके पूरे के पूरे ये खाना बनाने वाले एरिया से पूरी तरह से अलग मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे आपको काफी बड़ा सा कैबिनेट मिल रहा है जहाँ पे आप अपना डस्टबिन रख सकते हैं। जी हाँ, आपको अलग स्पेस मिल रही है, सेपरेट स्पेसेस है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन है आपका किचन। एंड यहाँ पे आपको शेल्फ मिल जा रही है, आपको अलग से दोबारा यहाँ पे डेकोरेटिव स्पेस मिल जा रही है। इनके साथ आपको कुछ सामान रख रहा हूँ और यहाँ पे अगेन आपको बड़ा सा पूरा कैबिनेट मिल जा रहा है। वेल दिस वॉज इट अबाउट यू वेरी वंडरफुल मॉड्यूलर किचन। दो मतलब आप देख लीजिए कितनी अच्छी रील है, पूरे घर में आपको कितना मजा आ जाने वाला है, आप अपने घर को अपनी तरीके से और भी ज्यादा एनहेंस कर सकती है। वेल बात करते हैं मुद्दे की, तो आपको सालवी एस्टेट दिला सकता है पूरे 90% का लोन, वो भी LRC से। जी हाँ, 60 गज का घर है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के केवल 700-800 मीटर की दूरी पर है और 60 गज का जैन रोड पर, और क्या ही चाहिए, 90% का पूरा लोन फैसिलिटी है। 2 लाख दीजिए, 1.5-2 लाख दीजिए और बस अपना घर लेके जाइए। वेल दिस वॉज इट अबाउट यू प्यारा सा होम टूर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए अपने रिव्यूज और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। देखते रहिए होम फॉर सेल फॉर दिस काइंड ऑफ मोर वीडियोज़।